हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओबीजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड में। जो हमने कल पार्ट फर्स्ट में देखा था डिफरेंस बिटवीन गायनेकोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी, आज देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में दूसरा नाम क्या है इसका, वल्वा एंड पुडेंडम। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? फर्स्ट आता है मोनस प्यूबिस, सेकेंड आता है लीबिया मेजोरा, थर्ड होता है लीबिया माइनोरा, फोर्थ होता है क्लाइटोरियस, फिफ्थ होता है वेस्टिबुल और सिक्स होता है पेरिनियम। पेरिनियम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? फर्स्ट होता है वेजाइना, सेकेंड होता है यूट्रस, थर्ड होता है फेलोपियन ट्यूब और फोर्थ होता है ओवरी। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट देखेंगे अपन मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस क्या होता है कि एक पेड़ होता है सब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। ये क्या होता है? पेड़ ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये ट्राइंगुलर एरिया होता है। यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पे, सीबीसीस ग्लैंड होती है एंड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनस प्यूबिस का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन देखें अपन, तो ये क्या करता है, जो सिंपासिस प्यूबिस होता है उसको प्रोटेक्शन करता है। किस किस को? सिंपासिस प्यूबिस। और सेकेंड फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल एरोजल में, जो हेयर फोलिकल्स है ये क्या होता है? प्यूबर्टी का साइन होता है। प्यूबर्टी के साइन देखते हैं अपन। प्यूबर्टी के साइन है जो हमने किसने दिए? अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल, उनके अकॉर्डिंग कितने साइन दिए हुए हैं? पांच। साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, इन्होंने पांच साइन दिए थे। फर्स्ट साइन कौन सा है? थेलार्की, मींस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और ये कब देखने को मिलता है? 11 ईयर एज में। 11 ईयर की एज में फर्स्ट जो साइन आएगा वो होता है थेलार्की, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट फर्स्ट साइन होता है ये। सेकंड होता है एड्रिनार्गी। एड्रिनार्गी मींस एक्जिलरी हेयर। एक्जिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना एड्रिनार्गी, ये होता है सेकंड साइन ऑफ प्यूबर्टी। थर्ड होता है पिबार्गी मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ये तीनों साइन 11 ईयर की एज ग्रुप में डेवलप होते हैं। फोर्थ आता है इंक्रीज हाइट, ये 12 ईयर की एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी वो कौन सा होता है?
मीनार की, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी वो कौन सा होता है? मीनार की, मीनार की क्या होता है कि फर्स्ट मेंसुरल साइकिल, फर्स्ट मेंसुरल साइकिल उसको क्या बोलते हैं? मीनार की। और ये लास्ट साइन होता है, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो ये टेनर एंड मार्शल ने 5 साइन दिए थे, ठीक है, प्यूबर्टी के, जिसमें फर्स्ट था थेलार की ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सेकंड है एडिनार की एक्जरी हेयर, थर्ड है प्यूबार की प्यूबिक हेयर, फोर्थ है इंक्रीज हाइट, और फिफ्थ है मीनार की, जो फर्स्ट मेंचुरल साइकिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं लीबिया मेजोरा, फर्स्ट देखा था मोनस बीबीस, सेकंड देखेंगे लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा, लीबिया मेजोरा क्या होता है कि ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? आउटर लिफ और लार्जर लिफ, आउटर लिफ एंड लार्जर लिफ, ये दूसरा नाम होता है लीबिया मेजोरा का। ये होमोलोगस होता है किसके? स्क्रोटम का होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है? एक होता है होमोलोगस, दूसरा होता है एनालोगस। होमोलोगस क्या होता है कि सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। सेकंड होता है एनालोगस, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजन बट सेम फंक्शन। ये लीबिया मेजोरा, लीबिया मेजोरा का दूसरा नाम क्या हो गया? आउटर लिफ, और ये होमोलोगस होता है किसके? स्क्रोटम। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होते हैं, सीबीसीस ग्लैंड और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, फाइब्रस टिश्यू, सीबीसीस ग्लैंड एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटेक्ट करना, इनर स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। और सेकंड फंक्शन क्या होता है कि ये सेक्सुअल एरोजल में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। थर्ड, थर्ड इसमें टॉपिक लेते हैं अपन लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा का दूसरा नाम क्या है? इनर लिप, इनर लिप। ये होमोलोगस किसके होता है? पीनियल यूरिथ्रा। इस ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड टू, बाउंडेड होता है एंटीरियरली, एंटीरियरली किससे होता है? क्लाइटोरियस से। और पोस्टीरियरली स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड्स होते हैं उससे, उनको क्या बोलते हैं? फोरसेप्स, फोरसेप्स। इसका फंक्शन क्या होता है लीबिया माइनोरा का? ये वेजाइना को प्रोटेक्शन करती है, वेजाइना क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। थर्ड टॉपिक हो गया लीबिया माइनोरा। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइटोरियस, फोर्थ, क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस क्या होती है? एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। और ये होमोलोगस किसके होता है? ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस के। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल एरोजन,
सेक्सुअल एरोजन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या होता है? एक ये ट्राइंगुलर एरिया होता है, ट्राइंगुलर स्पेस एरिया, ठीक है, लिंक एरिया होता है। ये बाउंडेड किससे होता है? बाउंडेड बाई, बाउंडेड की बात करें एंटीरियरली होता है ये क्लाइटोरियस से, लेटरली देखें तो लेटरली होता है लीबिया माइनोरा, और पोस्टीरियरली होता है ये फॉरचिट से, फॉरचिट से। इसके अंदर ओपनिंग होती है, फोर ओपनिंग वेस्टिबुल होता है, इसमें फोर ओपनिंग्स होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है वेजाइनल, सेकेंड होती है यूरिथ्रल, थर्ड होती है बार्थोलिन ग्लैंड, फोर्थ होती है स्कैन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये होमोलोगस किसके होती है? बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये येलोविश कलर की बॉडी होती है, येलोविश व्हाइट कलर की एक बॉडी होती है, और ये पी शेप की होती है, और ये होमोलोगस होती है बल्बो यूरिथ्रल। इसके जो बार्थोलिन ग्लैंड है ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये सीक्रेशन देती है, ल्यूब्रिकेंट करती है वेजाइना को। उसकी नेचर कैसी होती है? एल्केलाइन, एल्केलाइन। स्कैन ग्लैंड होती है ये भी पेयर शेप में होती है, बार्थोलिन ग्लैंड भी पेयर शेप में होती है। स्कैन ग्लैंड, स्कैन ग्लैंड भी क्या करती है कि वेजाइना को ल्यूब्रिकेंट करती है। और इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1880 में अलेक्जेंडर स्कैनी ने, अलेक्जेंडर स्कैनी ने, इसलिए इसका नाम स्कैन ग्लैंड डाला गया। ये लास्ट टॉपिक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स का, लास्ट टॉपिक पेरिनियम। पेरिनियम, पेरिनियम का दूसरा नाम क्या है? पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियम, पेरिनियम किसको बोलते हैं कि स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन रेक्टम और वेजाइना, स्पेस बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना। पेरिनियम होता है टू टाइप्स का, एक होता है एनाटोमिकल पेरिनियम, सेकेंड होता है ऑब्स्टेट्रिकल। इसी को बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। ऑब्स्टेट्रिकल एरिया पेरिनियम, इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ये स्पेस बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, यहां पे परफॉर्म की जाती है एपिजियोटोमी एंड पेरिनियोटोमी। पेरिनियोटोमी, एपिजियोटोमी कब परफॉर्म की जाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जस्ट बिफोर दी क्राउनिंग, क्राउनिंग, ठीक है। एनाटोमिकली, एनाटोमिकली के अंदर क्या होता है कि ये बाउंडेड होती है। एंटीरियरली क्या होता है कि एंटीरियरली इसके अंदर होती है सिंपाइसिस प्यूबिस, लेटरली पोस्टीरियरली क्या होता है कोकेक्सियल कोकेक्स, और लेटरली क्या होता है इसमें स्टील ट्यूब्रोसिटी, पेरिनियम। पेरिनियम की इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4 × 4, जो पेरिनियम की लेंथ कितनी होगी? 4 × 4 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।